हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के स्टार्टिंग में हम जिमी नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जिसका जन्म बिना इम्यून सिस्टम के हुआ था। छोटे से छोटे जर्म से भी उसे धोखा था, इसीलिए आइसोलेशन में उसे रखा जाता है। किसी भी चीज को वो छू नहीं सकता था जब तक वो चीज डीकंटेमिनेटेड यानी सैनिटाइज ना हो। उसकी माम मिसेस लेविंगस्टन जिमी को लेकर इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव थी कि वो किसी को भी अपने घर आने नहीं देती थी। जब जिमी 4 साल का हो गया था, तब मिस्टर एंड मिसेस लेविंगस्टन उसे हॉस्पिटल से एक बबल में घर लेके आते हैं। उसके कमरे में भी एक बड़ा बबल था जिसमें उसे रहना पड़ता था। खेलना, खाना, उधर ही सब कुछ था। बबल को 2 प्रोटेक्टेड हैच थे जिसकी मदद से उसके पेरेंट्स उसे छू सकते थे। जिमी के सारे टॉयज भी डीकंटामिनेट करके बबल में रखे जाते थे। मिसेस लेविंगस्टन एक नेशनलिस्ट थी और वो जिमी को केवल वही चीज सिखाती थी जो उन्हें सही लगती थी। वो अपने सारे विचार उसी पे थोपती थी, जिसके कारण बेचारे जिमी को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शहर के सारे लोगों को इस यूनिक बबल बॉय के बारे में पता था, लेकिन उसकी मदद करने के वो उसका मजाक उड़ाते थे। पड़ोसी के बच्चे अपने आप को प्लास्टिक में लपेट लेते थे और घर के बाहर खड़े होकर जिमी का मजाक उड़ाते थे। जिमी हमेशा घर का बनाया हुआ खाना ही खाता था और ये खाना भी उसे प्लास्टिक ट्यूब में डीकंटामिनेट करके दिया जाता था। देखते देखते समय बीतता जाता है और जिमी 16 साल का हो जाता है। एक दिन जिमी खिड़की के पास खड़ा था और वो देखता है कि उनके पड़ोस में एक नई लड़की रहने आई है जिसका नाम क्लोई था। उसे देखते ही उसे वो काफी पसंद करने लगा था, लेकिन उसे लड़की या प्यार या फिर इन इमोशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी माँ को जिमी के इस प्यार के बारे में पता चल जाता है और वो उसे समझाने लगती है कि प्यार या अट्रैक्शन जैसी कोई भी चीज नहीं होती, ये सारी चीजें गलत है। जिमी अगले कुछ सालों तक अपने खिड़की से उसी लड़की को देखता था और क्लोई को भी पता था कि जिमी उसे अक्सर देखा करता है और वो भी जिमी को पसंद करने लगी थी। जिमी को उस लड़की को देख काफी अलग महसूस होता था, हालांकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन सुबह वो इसी फीलिंग्स के साथ उठता है और इन सारे फीलिंग्स से अनजान उसे पता नहीं था कि उसके साथ सुबह सुबह क्या हुआ है, लेकिन वो काफी शर्मिंदा होता है। उसकी माँ उसे आके शांत करती है। तो वहीं दूसरी तरफ क्लोई के दोस्त जिमी को बबल बॉय कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन क्लोई को जिमी के बारे में मजाक करना अच्छा नहीं लगता था और अपने दोस्तों के मजाक उड़ाने पर वो हमेशा उन पे गुस्सा होती थी। अब एक दिन क्लोई जिमी के घर आती है और मिसेस लेविंगस्टन उसे अंदर आने कहती है। वो देखते हैं कि उनके घर में हर तरफ प्लास्टिक के ट्यूब्स हैं। वो काफी हैरान होकर जिमी के कमरे तक पहुंचती है। जिमी उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने माँ के अलावा किसी भी लड़की को इतने पास से अपने रूम में नहीं देखा था। क्लोई उससे बात करती है और वो जिमी को बताती है कि उसका गिटार उसे काफी अच्छा लगता है और जिमी अपने प्लास्टिक के हाथ से उसे गिटार बजाना सिखाता है। दोनों भी रोज मिलने लगते हैं, लेकिन मिसेस लेविंगस्टन को उनकी ये दोस्ती पसंद नहीं आती, लेकिन इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो दोनों भी एक साथ अपना वक्त गुजारने लगते हैं। क्लोई जिमी के बर्थडे पर उसे एक बबल में गिनी पिग गिफ्ट करती है। यहाँ तक कि हैलोवीन क्या होता है इसके लिए कुछ बच्चों को भी वो उसके रूम में हैलोवीन मनाने के लिए लाती है। दोनों भी देखते देखते एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक रात क्लोई नशे में जिमी के रूम में आती है और उस बबल के अंदर जाने की कोशिश करती है। वो जिमी को बताती है कि वो उससे अब और दूर नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी जिमी उसे बबल के अंदर नहीं लेता। इस बात से क्लोई बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए वहां से निकल जाती है। क्लोई को समझ आ गया था कि जिमी उसे कभी भी नहीं अपनाएगा। कुछ दिनों के बाद क्लोई की शादी मार्क नाम के एक लड़के से फिक्स होती है। अगले ही दिन क्लोई जिमी के रूम में आती है और अपने एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए जिमी को कहती है कि नायग्रा फॉल्स के यहाँ पे अगले हफ्ते में उनकी शादी होने वाली है। ये सब कुछ सुनकर जिमी बहुत ही दुखी होता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर नहीं दिखाता। क्लोई भी काफी दुखी मन से जिमी को एक गिफ्ट देती है, लेकिन जिमी उसे अनदेखा करता है और वो उसे क्लोई ने दिया हुआ गिनी पिग वापस कर देता है। ये देख क्लोई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उदास होकर वहां से रोते हुए जाती है। थोड़ी देर के बाद जिमी क्लोई ने दिया हुआ गिफ्ट ओपन करता है और वो देखता है कि क्लोई ने उसे एक स्नो ग्लोब दिया था जिस पर लिखा हुआ था आई लव यू। ये देख जिमी हैरान और काफी खुश होता है, लेकिन बहुत देर हो गई थी, क्लोई वहां से चली गई थी। लेकिन जिमी ने ठान लिया था कि वो अब अपने कमरे से कैसे भी निकलेगा और अपने प्यार को वो हासिल करके रहेगा, इसीलिए उनकी शादी रोकने के लिए नायग्रा फॉल्स जाने का फैसला करता है। काफी मुश्किलों
के बाद वो एक पोर्टेबल बबल शील बनाता है और फिर अपने माता पिता को बिना बताए ही वो घर से निकल जाता है। जिमी पहली बार अपने घर से बाहर पड़ा था। वो इतना खुश था कि पहली बार ये आसमान, ये जमीन, अपने आसपास के लोग देखकर वो काफी खुश था। जब वो बस स्टॉप तक पहुंचता है तब उसे टिकट के लिए पूछा जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो पैसे तो भूल गया है। वो वहां से वापस घर जाने लगता है, लेकिन सड़क पार करने की कोशिश में एक बस से टकरा जाने के कारण जमीन पे गिरता है, लेकिन उसके बबल की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। बस में बैठे सारे लोग बाहर आते हैं और जिमी की मदद करने के लिए उसे लिफ्ट देने का कहते हैं। जिमी खुशी में मान जाता है। बस में आने के बाद उसे पता चलता है कि दरअसल ये सब लोग धार्मिक पंथ का हिस्सा है और किसी रिलीजियस जगह पे जा रहे हैं, लेकिन जिमी को रिलीजियस, भगवान, गॉड इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो उन्हें अजीब अजीब बातें करने लगता है। लेकिन तभी सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिमी को बस से बाहर निकाल फेंक देते हैं। जब ये सारे धार्मिक लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तब वहां पे उन्हें पता चलता है कि बबल के अंदर रहने वाला आदमी भगवान द्वारा भेजा गया आदमी है जिसे मदद की जरूरत है। ये बात उन्हें पता चलने पर वो जिमी को वापस ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच में जिमी स्लिम नाम के एक आदमी से मिलता है जो किसी बैंड का हिस्सा था। वो उसे अपने पूरे जीवन के बारे में, अपने प्यार के बारे में बताता है। स्लिम भी काफी इमोशनल होता है और जिमी को भी अपने पहले गर्लफ्रेंड वाइल्ड फायर के बारे में बताता है जिससे वो अभी भी प्यार करता है। फिर दोनों की भी अच्छी दोस्ती होती है और दोनों भी क्लोई को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ मिसेस लिविंगस्टन जिमी को लापता देख काफी घबराने लगती है और जिमी के माता पिता दोनों भी उसके खोज करने के लिए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, लेकिन पुलिस 24 घंटे के बाद ही उसकी जांच करने वाली थी। यहाँ पे दूसरी तरफ जिमी और स्लिम वेगास पहुंचते हैं और थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। अब वेगास पहुंचे हैं इसलिए दोनों भी एक कैसीनो जाते हैं और काफी मजे करने लगते हैं। लेकिन जिमी के पास ज्यादा दिन बचे नहीं थे। 2 दिन के बाद ही क्लोई की शादी होने वाली थी, इसीलिए वो स्लिम को वही क्लब में छोड़कर एक स्कूटर चुराकर वहां से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे उसी के माता पिता की कार दिखाई देती है। वो दोनों भी उसे रोक रहे थे और उसी जल्दबाजी में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इसके कारण अब वो एक ट्रेन में फंस जाता है जिसमें कुछ अजीब शो के लोग होते हैं। वे लोग जिमी को पकड़ के अपने बॉस डॉक्टर फेरिक के बारे में बताते हैं जिसने इन सबको के रखा होता है और अपने शो में उनका उपयोग करता है। फिर जिमी डॉक्टर फेरिक से मिलता है जो कि छोटे कद के इंसान होते हैं और जिमी गलती से उन्हें नीचे गिरा देता है और बाकी लोगों को भी जाने अनजाने में फ्री कर देता है। फिर वो देखते देखते नायग्रा फॉल्स के लिए अपना रास्ता जारी करता है। अब वो स्कूटर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता था, अब किसी की तो मदद लेने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। उस रेस्टोरेंट में कुछ पुलिस ऑफिसर थे जो पुष्पक नाम के एक इंडियन को उसके पहराव के लिए बुली कर रहे थे। जिमी वहां पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि उसके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, इसीलिए वो एक बबल में फंसा है। ये सुनकर वहाँ के लोग भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिमी के बबल में कोई वायरस है और वो जल्दी बीमारी फैलाएगा। और इसी भागा दौड़ी में रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। तभी पुष्पक जिमी के पास आता है और उसे अपने ट्रक से नायग्रा फॉल लेके जाने के लिए तैयार होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ मिसेस लिविंगस्टन डॉक्टर फेरेक तक पहुंच जाती है। डॉक्टर फेरेक उसे बताते हैं कि जिमी नायग्रा फॉल्स की तरफ जा रहा है। अब ये सुनने के बाद मिसेस लिविंगस्टन को काफी गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ क्लोई के कारण हो रहा है, इसीलिए वो क्लोई को फोन लगाती है और जिमी को भगाने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने लगती है। यहाँ पे पुष्पक और जिमी दोनों भी नायग्रा फॉल्स की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी उनका ट्रक एक गाय से जा टकराता है और पुष्पक बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है क्योंकि उसके लिए गाय ये भगवान का एक प्रतीक होता है। लेकिन जिमी अपने माँ के सिखाए हुए बातों को मानकर पुष्पक को कहता है कि कोई भी धर्म में जानवर को भगवान का प्रतीक नहीं मानते। ये सुनके पुष्पक को काफी गुस्सा आता है और वो उसे गाड़ी से निकाल देता है। जिमी चलते हुए एक टाउन तक पहुंच जाता है और सामने उसे एक क्लब मिलता है जहाँ पे वो मदद के लिए चला जाता है। इसी दरमियान स्लिम पुष्पक तक पहुंच जाता है। पुष्पक उसे सच्चाई बताता है और स्लिम पुष्पक से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे और उसके लोगों को लिफ्ट दे ताकि वो जिमी की मदद कर सके, और वो सब लोग पुष्पक के ट्रक से जिमी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे जिमी जब क्लब में पहुंचता
होता है, लेकिन उस क्लब में दो लड़कियों की रेसलिंग चल रही थी और जिमी बबल में था, इसीलिए उसे भी कीचड़ में डाला जाता है और वो दोनों लड़कियां उसका बबल तोड़ने के लिए रेसल करने लगते हैं। वो कैसे तैसे बाहर निकलता है तो उसे वही धार्मिक ग्रुप के लोग मिलते हैं जो उसे जबरदस्ती लेके जाने के लिए आए थे, लेकिन तब तक वहां पे स्लिम पहुंच जाता है और उन्हें रोकने लगता है और उनका झगड़ा शुरू होता है। ये देख जिमी चुपचाप वहां से निकलता है। सिग्नल पे उसे एक बुजुर्ग की गाड़ी दिखती है और वो उसे लिफ्ट देते हैं और दोनों भी अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अब जिमी जब सुबह उठता है तब वो देखता है गाड़ी तो चल रही है लेकिन ये वो बुजुर्ग आदमी बेजान पड़ा हुआ है और तभी उनकी कार एक बिली बोर्ड से टकरा जाती है। वही जिमी एक स्टोर में जाकर गिरता है और वहीं से आखिरकार वो क्लोई को कॉल करता है, लेकिन मार्क उसका फोन उठाता है। मार्क यानी क्लोई का होने वाला पति, जो कि जिमी को काफी भला बुरा सुनाता है और कहता है कि तुम हार गए हो, एक घंटे में मेरी क्लोई से शादी होने वाली है। जिमी निराश हो जाता है और अपने माँ को फोन लगाता है और उसे यहाँ से लेके जाने के लिए वहाँ पे बुलाता है। थोड़ी समय के बाद उसके माता पिता वहाँ पे आते हैं और जिमी को कार में बिठा देते हैं। मिसेस लेविंगस्टन वॉशरूम जाती है और तभी मिस्टर लेविंगस्टन जिमी से पूछता है कि पहली बार बाहर आके कैसा लगा। उसे समझाते हैं कि कोई भी काम करने से पहले, वो काम पूरा होने से पहले ही हमें गिव अप नहीं करना है, हमें पूरी कोशिश करनी है उस चीज को पूरा करने की। अपने पिता की ये बात सुनकर जिमी काफी इंस्पायर होता है और वो क्लोई से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। मिसेस लेविंगस्टन बाहर आती है और वो भी जिमी का पीछा करने लगती है और उसी समय उस धार्मिक पंथ के लोग भी जिमी को ढूंढ लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तब तक स्लिम भी अपने बाइकर दोस्त की मदद से जिमी की मदद करने आता है। तभी स्लिम को वहाँ पे मिसेस लेविंगस्टन दिखाई देती है जो कि स्लिम का ही पहला प्यार होती है, वाइल्ड फायर। और तभी सबको अचानक से रियलाइज होता है कि ये लोग प्लेन के रनवे पर गाड़ी चला रहे हैं और तभी वहाँ पे एक नॉर्मल प्लेन उड़ान भरता है। उसी पायलट की मदद से जिमी प्लेन पे चढ़ जाता है, लेकिन फॉल्स जाते जाते ये लोग पानी में ही गिर जाते हैं। लेकिन जिमी कैसे तैसे पानी से बाहर निकलते हुए चर्च तक पहुंच जाता है जहां पे क्लोई और मार्क की शादी हो रही थी और जिमी जोर से चिल्ला के क्लोई को शादी से रोकता है। वो क्लोई के सामने अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार बताता है और उसके लिए वो अपनी जान दांव पर लगाते हुए वो बबल फाड़ देता है। खुद की जान खतरे में डालकर वो क्लोई को किस करता है, लेकिन ऐसा करने के कारण सारे जर्म्स उसके आसपास आ जाते हैं और अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है। तभी मिसेस लेविंगस्टन अपने बच्चे को मरा हुआ देख काफी दुखी होने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर लेविंगस्टन आते हैं और अपनी पत्नी को सच्चाई सबको बताने के लिए कहते हैं। और तभी रिवील होता है कि जिमी को कोई भी बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल हट्टा खट्टा एक इंसान था, लेकिन दुनिया की बुराइयों से उसे बचाने के लिए उसके माँ ने ये नाटक किया था। जिमी को काफी उठाने के बाद उसे होश आता है और ये सारी सच्चाई सुनकर वो हैरान होता है, अपने माँ से गुस्सा होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो अपने माँ को माफ करता है और अंत में क्लोई और जिमी एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं जहाँ पे क्लोई और जिमी एक दूसरे से शादी करते हैं, जहाँ पे काफी सारे इंडियंस भी होते हैं और उन्होंने उन सारे लोगों को बुलाया था जिन्होंने जिमी के इस जर्नी में उसका साथ दिया था। मिस्टर लेविंगस्टन, मिसेस लेविंगस्टन और स्लिम तीनों भी कपल बन गए थे और जिमी अपने हनीमून के लिए निकल पड़ता है और उसी तरह ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी यहीं पे खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।